तो आगे सब दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, अगर आप व्हाट्सएप का यूज करते हो तो 90% चांस है आप जेल जा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी व्हाट्सएप पर ऐसे ही कैजुअल लेके कर देते हो, ऐसे 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 कुछ होता थोड़ी ना है। और कई लोग तो ये समझते हैं व्हाट्सएप एंटोन एनक्रिप्शन है, हम मैसेज भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, हमारे मैसेज कोई देखता थोड़ी ना है। तो उनके लिए तो पहले 2 मिनट मौन धारण। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन तो है, लेकिन आप सोचते हो मैसेज भेजते हो या प्राप्त करते हो वो डिलीट कर दिया जाता है, आप तो डिलीट कर देते हो लेकिन वो कहीं सेव हो जाता है व्हाट्सएप के सर्वर पर। और अगर कोई अथॉरिटी या फिर सरकार वगैरह उनसे डेटा मांगेगी किसी व्यक्ति का तो वहां से वो डेटा पकड़ा दिया जाएगा। इवन आईपी एड्रेस, कौन सा हैंडसेट यूज कर रहे हो और जो भी भेजा गया है, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट वगैरह सब कुछ पकड़ा देगी, सारी डिटेल सरकार ले लेगी और वो दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑथोराइज है और अथॉरिटी है, क्योंकि सरकार मांगेगी तो इवन देना पड़ेगा उनको, अगर व्हाट्सएप चलाना है तो सरकार से बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनसे कह देगी लो भैया ये डाटा और सुलट हुए इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई किन किन तरीके से जेल जा सकता है या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ना करें, तो कान खोलना और ये अपने दिल में समा के रख लेना, क्योंकि ऐसा अब नहीं करना है। पहली बात, किसी भी ऐसी चीज को ना फॉरवर्ड करना, यानी कि किसी भी ऐसी कोई सेलिब्रिटी है उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ करना या फिर किसी को फॉरवर्ड करना, तो ये गलत है और ये वैसे भी गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। या फिर कोई भी नेशनलिटी है, महात्मा गांधी वगैरह, इनके फोटो को बना के भेज देते हैं। अभी इवन पिछले दिनों में देखा गया था कि बाबा रामदेव के गोदी में एक महिला को बैठा दिया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना भेजे। और कुछ लोग तो उसे लेते हैं और ग्रुप में फॉरवर्ड, तो ऐसा नहीं करना है। और ये ग्रुप के सरपंच बने बैठते हैं मंत्री टाई लगा के, ये एडमिन पहले पकड़े जाएंगे, जूते तुम पे पड़ने वाले हैं एडमिन, सुधर जाओ। ठीक है, ऐसे ही लोग अपने व्हाट्सएप पे लाओ जो ग्रुप बना रहे हो, इवन वो अच्छे हैं, यानी कि वो ऐसी चीजें नहीं हरकत नहीं करते हैं या फिर ऐसी उठाई कोई चीज और भेज दी का मैं कौन देख रहा है यार, हम तो घर के नेता हैं। तो ऐसा ना करें, इससे आपको बहुत बड़ी गलती हो सकती है और आप जेल जा सकते हैं। और भाई साहब तीसरी बात, कोई भी ऐसी महिला की क्लिप बना ली आपने और भेज दी, मतलब व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दी और उसने और फॉरवर्ड कर दी, तो ये बिल्कुल गलत है, आप जेल जा सकते हो उसकी वजह से भी। और किसी भगवान की फोटो के साथ अश्लील वगैरह की ऐसी हरकत की, तो ये भी गलत है। किसी के धर्म के आगे या किसी के धर्म के बारे में कोई भी बात नहीं बोलनी है और बॉलेंस भरे मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने हैं जिससे हिंसा फैला सकते हैं और किसी की शांति भंग हो सकती है, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। और भैया जो ये चौधरी साहब आपने पंचायत बैठा रखी है ना, ये व्हाट्सएप पर ग्रुप एडमिन सरपंच जी, आपसे ही बोल रहा हूँ चौधरी साहब, आप ऐसी चीजें ना करें, आप तो नहीं करेंगे ये तो पता है, लेकिन आपके जो ग्रुप मेंबर हैं वो नहीं पड़े, आपकी सर पे जूता पहले पड़ेगा। ठीक है, तो आप सही जो व्यक्तिगत व्यक्ति सही है तो उन्हीं को अपने ग्रुप में रखें, या फिर अन्यथा कोई भी व्यक्ति को ना रखें जो अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे को ना रखें जो ऐसी चीज लाता है और फिर फॉरवर्ड करता जाता है, ग्रुप में आ जाती है। ठीक है, उसे पहले बाहर करें ग्रुप से। ठीक है, और तो यही है बचने के उपाय, और अच्छी चीज फॉरवर्ड करें जो कि है। अगर कोई भी खराब मैसेज आता है या फिर अच्छा मैसेज नहीं आता है तो उसे डिलीट करें, स्पैम में डालें उसे। ठीक, इवन जो ग्रुप में है वो तो मरेगा सो मरेगा, ठीक है, और आप भी उसके साथ जाओगे, तो ऐसा ना करें। और जो है सरकार जो अभी एक्ट 2000 के तहत, पहले हो रहा था तो हो रहा था, ठीक है, अब अगर कोई भी ऐसी चीज करता है तो वो सीधा जेल जाएगा और सरकार मांगी डेटा और उसे आलू ले लो। तो सब्जी वाला आ गया, मैं चलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और व्यक्तिगत और जो भी है आपके व्हाट्सएप पर सबको शेयर करें, मौसी ताऊ ताऊ की मामा मामा के फूफा फूफा के जो, और अपनी गर्लफ्रेंड के फूफा, सबको शेयर करें इवन। और ये न्यूज नहीं आई है तो सबको पता चलनी चाहिए, तो इवन इस मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चलता हूँ, तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।